नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भीतरवार विकासखंड के ग्राम साखनी में स्थित पार्वती स्वीटनर्स एंड पावर लिमिटेड नामक शक्कर फैक्ट्री में ऊंचाई से गिर जाने के चलते एक 23 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर का नाम शहजाद अली निवासी भवानीपुरा जिला बस्ती उत्तर प्रदेश बताया गया है। बताना आवश्यक होगा कि इसी फैक्ट्री में विगत करीब एक महीने पूर्व भी भोपाल मध्य प्रदेश निवासी एक नाबालिग मजदूर की मौत हो गई थी। उस समय भी फैक्ट्री प्रबंधन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई थी, लेकिन प्रबंधन और पुलिस की मिलीभगत के चलते उस मामले को दबा दिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री प्रबंधन लगातार लापरवाही बरतता रहा, जिसके चलते यह हादसा हुआ जिसमें एक गरीब मजदूर की अकाल मौत हो गई। पूर्व की भांति इस बार भी फैक्ट्री प्रबंधन ने पूरी घटना को छुपाते हुए गुपचुप सुलटाने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय मीडिया की सजगता के चलते फैक्ट्री की ये करतूत उजागर हो गई। ये बताना भी अति आवश्यक है कि इस फैक्ट्री में रखे गए अस्थायी मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। फैक्ट्री की इस अव्यवस्था को मौके पर जांच करने पहुंचे एसडीएम और एसडीओपी भीतरवार ने भी स्वीकार किया है। इस फैक्ट्री में नियम विरुद्ध तरीके से श्रमिकों का संयोजन किया गया है, जिसमें नाबालिग श्रमिक भी शामिल रहे हैं। क्योंकि एक महीने पूर्व घटना में मरने वाला श्रमिक नाबालिग था, स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग इस फैक्ट्री में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर से पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का पालन न होने के बावजूद भी जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते। अगर पूर्व की घटना से प्रबंधन द्वारा सबक लिया जाता तो आज ये घटना नहीं होती और अकारण ही दो लोगों की मौत नहीं हुई होती। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भीतरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। फैक्ट्री में लापरवाही का आलम यह है कि मृतक की मौत होने के बावजूद भी मौके पर प्रबंधन की और कोई जिम्मेदार व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, और जो जिम्मेदार मौजूद थे वो भी घटना के बाद मौके से भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम और एसडीओपी को भी फैक्ट्री प्रबंधन का कोई व्यक्ति मौके पर नहीं मिला। पूर्व में हुई नाबालिग की मौत के मामले में भी फैक्ट्री प्रबंधन 24 घंटे के बाद मृतक के शव को देखने पहुंचे थे। ये अभी हमको सूचना मिली है, लगभग 10:30-11 बजे की घटना है। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है पीएसपीएल सुगर मिल साखनी में। निर्माण कार्य के दौरान ये एक मजदूर के ऊपर से कुछ अपना छत कसाव चल रहा था, उसमें से गिरने से मृत्यु हो गई है। इस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और इसको विवेचना में लिया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा के कोई भी मापदंड यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर अभी मौके पर आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर इसमें निश्चित रूप से धाराएँ बढ़ाई जाएगी और साथ ही ठेकेदार से भी इसमें पूरे परिपत्र लिए जाएंगे क्या क्या सेफ्टी मेजर रहना था, क्योंकि यहाँ पे तो मौके पर किसी भी प्रकार के सेफ्टी मेजर नहीं दिख रहे। सर, इससे पहले भी एक मौत हो चुकी है सर, उसकी भी आज तक कोई ऐसी अगर कार्रवाई नहीं, उसमें कार्रवाई चल रही है और उसमें अपराध भी पंजीबद्ध हो रहा है और उसकी रिपोर्ट ली जा रही है।